वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिन आज से देश ने लॉकडाउन 4 में 14 दिन के लिए पहला कदम रख दिया है। 31 मई तक तालाबंदी जारी रहेगी। थोड़ी देर पहले ही देश में कोरोना के ताजा आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत कुल केसेस का आंकड़ा खतरनाक तरीके से 96,000 तक जा पहुंचा है। मौत का आंकड़ा 3,000 के पार है, जबकि 3,000 के करीब है, जबकि 56,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पहली बार 24 घंटे में 5,000 नए बीमार सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना का कहर महाराष्ट्र और गुजरात को झेलना पड़ा है और दोनों ही राज्यों में स्थिति इस वक्त बेहद चिंताजनक। अकेले महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कुल आंकड़ों में 30 से 33% का योगदान अकेले महाराष्ट्र का है। और ऐसे में महाराष्ट्र पहले ही यह अनाउंस कर चुका था कि 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन जो नई गाइडलाइंस कल जारी हुई है उसके तहत 5 जोन में डिवाइड किया गया है, 5 जोन में बांटा गया है देश के अलग अलग हिस्सों को। और इन 5 जोन्स के तहत ही अब आगे कहां रियायत मिलेगी, अब किस तरह का माहौल होगा, ये इसके आधार पर ही तय होगा। हमारे साथ इस वक्त अशोक सिंघल और संजय शर्मा मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे और डिटेल लेते हैं। संजय, एग्जैक्टली अभी आप कहां पर मौजूद हैं और कल जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके बाद अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और दिल्ली की तो अगर बात करें, मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को नोट तैयार करने के लिए कहा गया है दिल्ली के मद्देनजर। जी हाँ बिल्कुल, 12 बजे तक मुझे लग रहा है कि ये ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली सरकार क्या चाहती है और दिल्ली सरकार ने इसमें कहाँ तक राहत और छूट देने का फैसला किया है। फिलहाल अभी तक जो ये खबर छन छन करा रही है उससे तो यही लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में जो तालाबंदी है वो अधिकतर जगह खुलेगी, संस्थान और प्रतिष्ठानों के शटर उठ सकते हैं, लेकिन जो घरों में कैद लोग हैं उनको शायद घर में ही रहने दिया जाएगा। इसके अलावा जो बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है या फिर स्पा है, इनको मंजूरी मिल सकती है, लेकिन ये केजरीवाल जी ने साफ कर दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि वो एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, बाकी सारे विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह मशवरा करने के साथ ही वो इस बारे में फैसला लेंगे। हमारे साथ NDTA के यहाँ के जो कनॉट प्लेस के मार्केट एसोसिएशन है उसके मेंबर हैं हमारे साथ। ये बताइए कि कितनी उम्मीद है आप लोगों को इससे, ये जो चौथा चरण शुरू हुआ है। देखिए, चौथे चरण में अभी कुछ कहना मुश्किल है, हम दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। जब राइट टाइम आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, तब हम अपने मेंबर्स के साथ विचार विमर्श करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो खोलना चाहते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी सेफ रहना चाहते हैं घर पर। देखिए, जाने तो जाने, लेकिन अभी हमारा डिसीजन क्लियर कुछ नहीं है। अभी जब नोटिफिकेशन आएगी दिल्ली सरकार की तो हम उसके बाद कॉल लेंगे, हम सबसे बात करेंगे, फिर हम डिसीजन करेंगे। यानी कई ऐसे इलाके हैं जैसे सदर बाजार के व्यापारियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो हालांकि अभी बंद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। चांदनी चौक हालांकि वैसा एरिया नहीं है जहाँ पर ज़्यादा केस मिले हों, लेकिन इसके बावजूद चांदनी चौक के अधिकतर व्यापारी भी यही चाहते हैं कि अभी फिलहाल 31 मई तक इंतजार किया जाए और ये देखा जाए कि स्थिति क्या रहती है, क्या केस वाकई डिप में जाते हैं या फिर फ्लैटर होते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, इसे देख के फैसला लिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री आएंगे सामने तो उससे भी साफ होगा। संजय आपके पास लौटेंगे, अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है, बंगाली मार्केट में अशोक सिंघल इस वक्त है। अशोक, जिस तरह से हालात बदले हैं बीते लॉकडाउन में, लॉकडाउन 3 में, हमने क्या वहां से अचीव किया और अब आगे आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य है, इस पर बहुत हद तक आधारित रहेगा कि कहां पर छूट किस हद तक मिलेगी। लेकिन आप जब बंगाली मार्केट में मौजूद है, लोगों से आपकी बात हो रही है, किस तरह के रिस्पांस लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, बंगाली मार्केट वही इलाका है, कुछ समय पहले सील किया गया था, कोरोना के मामले यहां मिले थे, लेकिन आज देख सकते हैं कि जो भीमसेन बंगाली स्वीट्स है ये खुल गया है। सरकार ने कहा है कि खोल सकते हैं, जो रेस्टोरेंट है होम डिलीवरी होगी और टेक वे होगा मिठाई की दुकान। ये बहुत 1937 से चली आ रही दुकान है भीमसेन बंगाली स्वीट्स। अगर देखें, देख सकते हैं कि ये दुकान आज खुली है, ये रेस्टोरेंट खुला है आज, और लेकिन सुबह सुबह एक ग्राहक भी आया है। आप ग्राहक है क्या लेने आए हैं? आप देख सकते हैं कि पहला ग्राहक आया है यहाँ पर, 2 महीने के बाद दुकान खुली है। मैं सर फ्रूट ले रहा हूँ, फ्रूटी लेना है। फ्रूटी लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ तो अनुमति नहीं है जी, हमेशा यहीं से लेते थे आप लोग। हाँ जी, तो देख सकते हैं ग्राहक पहुंचा है, यहाँ के मालिक से भी बात करते हैं। 2 महीने के बाद दुकान खुली आपकी, 1937 से चली आ रही है दुकान ये। हाँ जी, 2 महीने बाद खुली है। देखिए, इतनी बड़ी समस्या और जो ये महामारी फैली हुई है पूरे देश पर, पूरे संसार पर, और इससे अपना बचाव करना,
बहुत जरूरी था। तो सारा सामान दोबारा से आपको अचानक कल ये नई गाइडलाइन ही, तो क्या रात भर में आपने बनाया पूरा सामान? दो महीने पुरानी चीज कोई खा नहीं सकता, और सारा सामान जो था वो हमने पहले ही पहले दिन लॉकडाउन के गरीबों में बंटवा दिया, या जो डिस्ट्रॉय होने रात भर में आपने बनाया ये सामान? ये सामान जो है आज तैयारियां कर खोलने के लिए, कल रात को ये सामान बने हैं और आज सुबह से इनकी बिक्री शुरू। अशोक, अगर आप पूछ पाए अभी कितने स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं? दुकान आज खुली है जब जी, मैं पूछने की कोशिश करता हूं कि कितना स्टाफ यहां काम करेगा। खास बात यह है यहां पे सैनिटाइजर का भी, गेट पे एंटर करते सैनिटाइजर रखा गया, और डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। कितने स्टाफ के साथ आप काम करने वाले हैं यहां पर? हमारे तकरीबन 4 से 5 स्टाफ रहेगा। जितना जरूरी स्टाफ होगा उतना आप रखेंगे? उससे मैक्सिमम नहीं होगा, 4-5 तो जरूरी है, 1-2 सेलमैन, 1-2 लोग खाना वाना बनाने के लिए, 1-2 खाना पैक करने के लिए। तो देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे मिनिमम स्टाफ के साथ जितना स्टाफ जरूरी है उतना स्टाफ को यहाँ रखा जाएगा। सैनिटाइजर रखा गया है गेट के ऊपर, आप देखते हैं कि सैनिटाइजर है। स्क्रीनिंग भी की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी, जो भी कस्टमर आएगा स्क्रीनिंग के साथ एंट्री की जाएगी। यस, सैनिटाइजर रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल ये सोच रखा है, सब कुछ ये किया जाएगा। बिल्कुल, जो भी गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार के। अशोक, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन बंगाली मार्केट से जो रिपोर्ट हमने देखी, ये अपने आप में एक ऐसा आउटलेट जो इस एरिया की पहचान है, और वहां पर अभी मिनिमम स्टाफ के साथ काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आज क्या होगा, इसको लेकर तमाम सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे और वो बताएंगे दिल्ली को लेकर उनके पास क्या प्लान है। लॉकडाउन 4 की आज से शुरुआत होगी, और ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर आज ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है। आईटीओ पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। देश भर में लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है, और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। अमूमन जो लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें होती थी वही तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। आईटीओ पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, टू व्हीलर्स भी जो है वो आपको नज़र आएंगे। हालांकि कल जिस तरीके से MHA की गाइडलाइंस आई, कई सारी छूट जो है वो दी गई है, हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट जो है वो नहीं दी गई है। उसके बाद अब दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। सुबह से ही लोग जो है वो अपने ऑफिसों और अपने दफ्तरों के लिए यहाँ से निकल पड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज दफ्तर जो है वो खुलेंगे, कामकाज जो है वो शुरू होगा। फिलहाल दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी गाइडलाइंस आनी बाकी है, उसके बाद दिल्ली के बाज़ार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे उस पर दिल्ली सरकार को अभी फैसला लेना बाकी है। कहना पसंद सत्य राउती के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।